रावण तो आपने बहुत देखे होंगे, बट कार वाला रावण, ऐसा रावण मे भी आपने नहीं देखा होगा। तो क्या आपने थैनोस वाला रावण देखा है? और ये आप देख सकते हो कि इसकी मुंडी रिवॉल्व कर रही है, तो इसको हम नाम देते हैं रिवॉल्विंग रावण। सो व्हाट्स अप स्क्वाड, आई एम सौरभ राजपूत और फ्री एडवेंचर। होप ऑल ऑफ यूर फाइन एंड योर संडे मंडे ट्यूजडे एवरी डे विल बी अ फैंटेस्टिक डे। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट दशहरा एंड दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट रावण। एक्चुअली क्या है, जिस इलाके में हम रहते हैं करमपुरा मोती नगर दिल्ली, उस इलाके में हर कोई क्रिएटिविटी वाला रावण कभी बनाया करता था। बहुत अलग अलग लेवल के क्रिएटिविटी वाले रावण यहाँ बना करते थे, लेकिन कोरोना ने ना बैंड बजा के रख दी। 2019 में लास्ट टाइम यहाँ पे दशहरा सेलिब्रेट हुआ था, और उसके बाद से लोग मुझे ना मैसेज कर करके पूछते हैं कि भाई साहब रावण बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो लास्ट दशहरे में मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए, लेकिन रावण नहीं बन रहे थे। तो लास्ट जब मैंने ब्लॉग शूट करा था दशहरे का, वो था 2019, और उस टाइम क्या क्रिएटिविटी वाले रावण बने थे, थैनोस वाला रावण, पबजी वाला रावण और सर घूमने वाला रावण, तो काफ़ी सारे रावण यहाँ पे बने थे। तो देखो, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट ये हमारे इलाके के लोगों की क्रिएटिविटी है कि कुछ भी कर सकते हैं वो। और इवन ना हर गली के बाहर यहाँ पे रावण लगा करते थे, सब्जी मंडी में रावण, चौक पे रावण, दुकान के सामने रावण, इवन कई लोग तो छत पे भी छोटा मोटा रावण बना के रखते थे। तो काफ़ी सारे रावण अलग अलग क्रिएटिविटी वाले यहाँ पे बनते थे, लेकिन कोरोना ने बैंड बजा दी। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो ब्लॉग है वो 2019 के दशहरे का ब्लॉग है। तो कृपया करके इस ब्लॉग को पूरा देखें, एंजॉय करें और तरह तरह के रावणों का एंजॉय लें, क्योंकि इस साल दशहरा मनेगा नहीं मनेगा वो पता नहीं, परमिशन है नहीं है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बाहर घूमा नहीं हूँ। अगर इस साल दशहरा बनेगा तो ब्लॉग जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले आप इस ब्लॉग का, मतलब 2019 वाले दशहरे के ब्लॉग का आनंद उठाइए और बताइए ब्लॉग कैसा लगा। ये था करमपुरे का रावण नंबर वन, जो अभी अभी आपने खड़ा होता हुआ देखा है। तो ये है करमपुरे की क्रिएटिविटी, पबजी वाला रावण। रावण नंबर टू, और ये एक बड़ा सुंदर सा रावण जिसकी आज खड़े होने की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ये रखा है बिल्कुल शेड के नीचे, और मे भी आज मंगलवार होने की वजह से इस रावण को आज ना जलाने की तैयारी है। तो और ये कुछ छोटे छोटे से बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो कितने का रावण बनाया भाई दोस्तों? 1000 में इन्होंने ये रावण तैयार कर दिया है, ऐसे देख लो। रावण नंबर 5, थोड़ा सा एंग्री सा लग रहा है, बट बच्चों का बना हुआ रावण 1000 रुपये में तैयार करा हुआ। तो करमपुरा की क्रिएटिविटी कुछ अलग ही लेवल की है बॉस। और ये देख लो, रावण का घाघरा खुले होने से पहले रावण कैसा दिखता है। ये रावण नंबर 6 पूरा सिल्वर सिल्वर है, बड़ा खतरनाक सा रावण लग रहा है। चलो, और अलग अलग लेवल के रावण तो आपने देखे होंगे, क्या आपने थैनोस वाला रावण देखा है? तो कुछ अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी यहाँ पे दिख रही है। थैनोस वाला रावण जबरदस्त रावण, ये देखो थैनोस के हाथ में पूरी की पूरी जंजीर, पूरे अस्त्र शस्त्र और अपने गॉन्टलेट के साथ खड़ा थैनोस का रावण। दस ग्रीव दशानन दस कर, तो रावण नंबर 10 दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी वाले रावण। तो रावणों की कोई कमी नहीं है करमपुरा में, दाढ़ी वाले से लेके पबजी वाले से लेके, और हमें ज्वाइन करते हुए हमारे एक छोटे से मित्र। कैसे लग रहे हैं रावण? बढ़िया बढ़िया, पबजी वाला, थैनोस वाला, दाढ़ी वाला सब बढ़िया। तो रावण है एक नंबर के, तो चलो अभी रावणों को 11 तरफ चलते आज अभी। ऑल राइट, तो अभी क्रेन से यहाँ पे रावण खड़ा हो रहा है, देख लो कैसे क्रेन से रावण खड़ा होता है। अभी तक खड़ा नहीं हुआ, वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, और कुछ दोस्त मिल गए हैं इसी बीचों बीच। कैसे हो भाई? हेलो, कैसे लग रहे हैं भाई रावण? रावण तो बहुत बेस्ट है, इसको खड़ा करने की तैयारी चल रही है, देखते कितना टाइम लगता है। तो भाई ने करमपुरा मोती नगर को एक दिया न्यू नाम, लंका पार्ट 2, क्योंकि यहाँ पे रावण, इसलिए लंका पार्ट 2, क्योंकि यहाँ पे रावण बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, इसलिए भाई ने यहाँ का स्पेशल नाम लिखा था लंका पार्ट 2। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और रावण एक्सप्लोर करते हैं। और काफ़ी देर से वेट कर रहे थे इस रावण को खड़ा होते हुए देखने का, तो फाइनली क्रेन ने रावण खड़ा कर दिया है, और अलग ही लेवल का रावण है, काफ़ी सुंदर रावण है। और ये देखो कैसे मूछे हैं, बिल्कुल नत्थू लाल जैसी मूछे।
तो रावण दिखाते दिखाते एक चीज़ याद आएगी, जब हम छोटे होते थे तो हम भी रावण बनाते थे, मीन्स जब हम 10th 11th 12th क्लास तक भी हमने रावण बनाया, लेकिन उसके बाद रावण बनाने छोड़ दिए थे। और देखो आज आपको रावण दिखा रहे हैं पूरे करमपुरा के एक एक, तो चलो अभी और भी रावण एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारे छोटे छोटे कुछ दोस्त मिल गए जिन्होंने मिलके एक ये छोटा रावण और उसके पीछे बड़ा रावण बनाया। कैसा भाई, आपने बनाया रावण? तो देख लो कितने छोटे छोटे कलाकार हैं हमारे, जिन्होंने पूरा इतना बड़ा रावण और एक ये छोटा सा प्यारा रावण खड़ा कर दिया है। अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, गुड बाय दोस्तों। तो ये कुछ छोटे छोटे से हमारे दोस्त खड़े हैं, सारे शर्मा रहे हैं वीडियो में आने से, लेकिन इनका रावण छोटा सा है और सुंदर सा है। मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, तो ये कुछ हमारे दोस्त खड़े हुए हैं जो रावण को खरीद के लेके आए हैं और खड़ा कर दिया रावण। ये देखो कुछ तो इन्होंने स्लोगन लिखा है, वो बहुत ही अच्छा लिखा है, द्वेष ईर्ष्या लोभ निराशा संशय विवद क्रोश मोह, इन सबको त्याग देना चाहिए। मतलब रावण के रूप में इन सब चीज़ों को जला दे रहे हैं। अच्छा इन्होंने स्लोगन दिया है लड़कों ने। ओके भाई चलो, वीडियो आएगी, वीडियो जरूर देखना। और काफ़ी खूबसूरत रावण है ये भी, और वीडियो तो आप लोग देख रहे हो, बट देख के आपको ये भी बताना कि कौन सा रावण आपको अच्छा लगा, किसकी क्रिएटिविटी आपको ज़्यादा अच्छा लगी। मुझे तो पर्सनल तौर पे ये वाला रावण बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आपको कौन सा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रावण की तरफ। काफ़ी पिंक पिंक हो गया, गुलाबी गुलाबी हो गया रावण, कुछ ज़्यादा ही गुलाबी कर दिया रावण को। तो ये अपनी TC पार्क की मार्केट, करमपुरा की मार्केट, रावण मार्केट, यहाँ पे भी बहुत रावण बनते हैं और अभी काफ़ी सारे रावण बिक चुके हैं, और ये सारे भाई अपने काम करते हुए रावण बनाते हैं यहाँ पे, और बड़े अच्छे रावण बनाते हैं, ज़बरदस्त रावण बनाते हैं। अभी सारे के सारे रावण इन्होंने बेच दिए हैं, नहीं तो आपके यहाँ की जो कलाकारी है वो दिखाता, अलग लेवल के रावण बनाते हैं, बट सारे रावण यहाँ पे बिक चुके हैं। तो और ये दोस्त कुछ जो ये ग्लेस पेपर या अखबार जो चिपकाते हैं उन पर लई लगाने का काम करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे वीडियो में आने की जिद कर रहे थे, तो देख लो भाई इनकी मेहनत से ये रावण बनते हैं यहाँ पे TC पार्क मार्केट अपने। और ये चलती हुई रोड है, इसको देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि यहाँ भी रावण खड़ा होता है, बट ये देखो रोड के बिल्कुल किनारे रावण। और ये है रावण नंबर, आपको इसकी मुंडी अच्छे से दिख नहीं रही होगी, आप सोच रहे होंगे रावण सीधा खड़ा मुंडी टेढ़ी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये जो रावण है इसकी मुंडी घूमती है, रोटेट करती है। और ये सारे दोस्त खड़े हैं इन्होंने पीछे रावण बनाया, अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी है बॉस। तो पबजी से लेके थैनोस से लेके रिवॉल्विंग रावण से लेके एक एक रावण आपको अब तक दिखा चुका हूँ, अभी और भी बहुत सारे रावण हैं, और सबसे ज्यादा क्रिएटिव रावणों में से ये रावण मुझे सबसे ज्यादा क्रिएटिव लगा। एक छोटा सा रावण बनाते हुए सारे के सारे दोस्त, कुछ लोग वीडियो में आने में शर्माते हैं, और इन सबको देखो वीडियो में आने के लिए इतने एक्साइटेड है कि रावण को इन्होंने कवर कर लिया, रावण नहीं दिख रहा है। सबसे चमकता धमकता और रावण, रावण तो आपने बहुत देखे होंगे, बट कार वाला रावण, ऐसा रावण मे भी आपने नहीं देखा होगा। तो ये हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं और इनके फ्रेंड्स खड़े हैं, इन्होंने ये मिलकर रावण बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त रावण है, ऑसम क्रिएटिविटी, कार वाला रावण बोले तो बढ़िया रावण। और ये देखो रावण बच्चों ने हाथ से खड़ा कर दिया है। और ये इधर सब्जी मंडी, और ऐसा लग रहा है देख के यहाँ पे कहीं रावण खड़ा होता होगा। और ये देखो इधर रावण खड़ा करते, ये पूरे के पूरे सारे लोग, सारी भीड़ रावण को खड़ा होते हुए देखते हुए, मुझे देख रहे हो रावण की। Shanandas Kandhar
समिति जिन्होंने रावण लगा रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर रावण। और इसी बीच रावण दिखाते हुए हमारे एक दोस्त मिल गए मिस्टर आशीष, कैसे लग रहे हैं रावण? कतई जहर ना, तो रावण एक नंबर के हैं, जहर अल्टीमेट क्रिएटिविटी। और इन रावण के साथ आपको और रावण एक्सप्लोर कराते हैं, तो चलते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे साथ हमारे एक छोटे से राम जो तीर कमान पकड़ के खड़े हुए हैं, और ये सारे हमारे रावण को देखने आए हुए कुछ लोग, और ये एक और रावण यहाँ पे। काफ़ी सारे रावण मैंने आपको दिखा दिए हैं, आप कोशिश करते हैं कि घर चलते हैं, आपको आके आपको दिखाएंगे कि रात में कैसे रावण लगते हैं करमपुरा मोतीनगर में। तब तक मिलते हैं बाद में। भाइयों सामने छोड़ा।